इकबाल साहब मुझे पाकिस्तान जाना है अभी। सारा सिंह तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। इकबाल साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस कागज पे साइन कर दो। एक बार बोल दिया ना नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इकबाल साहब एक कागज के टुकड़े पे मोहनी लगी तो अगर तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, मुझे मेरे बच्चे की माँ से मिलाने से कोई ताकत कोई सड़क नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुझे, तू जाके देखा। साले बीच में भी बता रही हो, टांग बटांग रख के चीर दूंगा। मैं पहले प्यार से समझाता हूँ नहीं तो फिर हथियार से। तू किस तरह समझेगा, फैसला तेरे हाथ में। ओ भैया मेरी जवान टूटी, मेरे मुंह से निकल गई। ओ नहीं कहूंगा भैया, गलती हो गई। पापा कितने जानते हैं? बेटे जीते, मैं तेरी माँ को लेने पाकिस्तान जा रही हूँ। पापा मैं भी जाऊंगा। नहीं जीते, तुम यही रहोगे। तुझे पता ना पाकिस्तानी कितने खराब हो मैं। नहीं पापा मैं भी जाऊंगा, पहली वाली की तरह मैं गया था, अभी भी जाऊंगा। बेटे जीते तुम एक बात बताओ मेरे को, पहली कदर को 20 साल हो गई लेकिन तू तब से छोटा का छोटा ही है भैया। बेटे जीते बैठो। हाँ मुझे पता है तू भी जानो को कहेगा, सुअरों की तरह मुंह मत बना, चल बैठ जा। काले साइकिल तो चल रही ना, हेडपंप क्या खावेगा। तेरी ताकत की बात कर रहा है, वो तो घर से मैं पानी पी के नहीं आया था इसलिए साइकिल गिर गई। अब पूरा जलवा पाकिस्तान में देखियो तू, मैं पाकिस्तान उलट पुलट कर दूंगा पुत्र। जीते बैठो। जीते तूने साइकिल क्यों रुकवाई? मैंने तुझसे कहा था ना कि घर पर ही रहे, चल निकाल के। अरे बेटे जीते इतनी देर से मुंह खुला है, अभी निकला नहीं है। चलो हेलो, पाकिस्तान जा रहा हूँ सारा भैया के साथ, अभी ना भाभी को लेने। क्या घर पे आ जाऊँ? चल ठीक है आ रहा हूँ। किसका फोन था? दादा भैया मेरी लुगाई का फोन था, घर पे बुला रही है। पहले तो सुअर की तरह कर रहे थे, मुझे भी ले चलो, चल निकल। कौन है तू? मैं सकीना का पति तारा। भाग यहाँ से, यहाँ सकीना मैम साहब का निकाह है। सकीना, सकीना, मम्मी, मम्मी। अरे अब तो आजा, क्यों गले को फटवा रही है, तो तेरे बाप से भी लड़ना है। पापा पहली वाली कदर में गाना गाया था, इस वाली कदर में गाना गा दो। ओ घर आजा परदेसी, और तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मेरी और किसी की नहीं हो सकती। पापा ये जीत पिक्चर नहीं है, ये गदर 2 है। ओ मित्रा ओ यारा यारी, तोड़ के मत जाना। आपको इतनी देर कैसे हुई आने में, बताया मैं कब से इंतजार कर रही थी। पहली बात मैं साइकिल से आया, दूसरी बात तेरे लौंडे को बार बार पेशाब लग रही है। ज्यादा मूवमेंट चला चला मैं घर को। अरे ओ जात रुक, सकीना को छोड़ दे। एक बार छोड़ के देख लिया, सोचा था कि बिछड़े बाप से मिलेगी तो खुशियों से झूम उठेगी, लेकिन तुमने तो उसे जीते जी मार डाला। बकवास बंद कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे वतन पर रखने की। ओए आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ, अगर किसी ने रोका ताला फाड़ दूंगा। अगर मेरा बस चले
तो मैं एक एक हिंदुस्तान को गोली छोड़ा दूं। अगर मेरा हिंदुस्तान पूरा मिलकर टॉर्च करे ना तो तेरे पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। गोलीबाजी की बात कर रहे हैं आप लोग? इसको देखिए तू। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान छूट गई। अब तेरे साले लड़ाई तुझसे ना हो रही, असरफ अली से हो रही है। पीछे को हो जा। रुक जाइए खुदा के लिए। असरफ साहब मामले को बात से भी सुलझा सकते हैं। सलीम इन्हें तय खाने में ले जाओ। असरफ साहब आप मेरे साथ आइए। इस्लाम कबूल है। आदमी का सबसे बड़ा मसला यह है कि अपनी बीवी बच्चों का हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है? तब तेरी इतनी जेर से चिल्ला जा रही है, सब सुन रहा हूँ, बहरा ना ना कबूल करना, बता क्या करेगा? अबे भैया कबूल कर ले, क्यों बेइज्जती करा रहा सबके सामने? अगर तुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है तो 5 रुपए दे दे, अभी कबूल कर रहा हूँ। तेरे 5 रुपए उधार है, कबूल कर। कबूल है, तुमने कबूल कर लिया, मस्जिद में चलो। एक मिनट काई साहब, इससे पहले इसके पैर मस्जिद में पड़े, ये तो देख लो ये पक्का मुसलमान बनने लायक है कि नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। तू जी बता अशरफ अली, पहले कहते हो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, तो तुम होते कह रहे हो जिंदाबाद के। हाल की बात नहीं, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली अपनी जवान को लगाम दे वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अगर किसी ने मुर्दाबाद बोला साला बीच में से फाड़ दूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर साले, जब तक तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा सकीना को हासिल नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। पहली कदर में तो हेडपंप उखाड़ दिया, हल्की तो ये लकड़ी भी ना उखड़ रही। मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे।